हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का अर्थ होता है कि राहु या केतु भूमि और सूर्य के बीच में से जब से गुजरने लगते हैं तो उनकी छाया पड़ने के बाद ग्रहण सूर्य और चंद्रमा होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की किरणें हमारे पर डायरेक्ट आती है। इसलिए इस बीच राहु और केतु ग्रह अगर जा रहे हैं भूमि और सूर्य भूमि या चंद्र के बीच में से, तो ग्रहण पहले देने वाले महामुनि कहा कि इस जो महामुनि का मंत्र है ओम सूर्याय अत्र मात्री बुद्धि जो है वो सूर्य उपा सकते हैं, और हमने पहले प्रभोशास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में संसार में कथा। सूर्य और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, हमारे पास सूर्य चंद्र की किरणें करने से चंद्र की किरणें करने से अपने पेड़ों में रस आदि का निर्माण होता है, और सूर्य की किरणें करने से यहाँ जो हरापन दिख रहा है वो सूर्य जैसे किरण जैसे संयोग किया सूर्य की किरणों के पेड़ पर पड़ने के बाद हरे पत्ते या पेड़ के पत्ते होने का, और हमारे को हरे भरे खाने से हमारे शरीर में शक्ति आने की क्रिया होती है। इसे सूर्य का प्रभाव जमीन पर होने वाले अनुरक्षण पानी समुद्र जल और सभी पर इसका प्रभाव बताया जाता है। तो इसे हम अगर विशेष रूप से सूर्य की प्रक्रिया रुक जाती है, सूर्य से कोई अड़ा आ जाए तो तब इन दोनों के बीच में कोई ऐसे कीटाणु का जन्म होता है, वो कीटाणु पृथ्वी पर रहने वालों को खराब करते हैं। तो कहा गया है कि सूर्य ग्रहण जब आरंभ हो जाए तब मनुष्य ना कुछ खाए, क्योंकि उसे विषाणु विश्व के कीटाणु उनके पेट में चले जाते हैं, पर उसको पेट दर्द होना या कोई बीमारी होना होता है, और मरुभूमि का विसर्जन भी उस कीटाणु के मान से हमारे शरीर में जाकर ज्यादातर के जो लिक्विड आत्मा है जो सफेद होने वाली क्रिया है वो सूर्य और चंद्र ग्रहण में ही मनुष्यों को होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इन सभी के इसमें आपको कहना चाहे आज का सूर्य ग्रहण 4:29 को आरंभ हो रहा है और 6:19 को हो रहा है हैदराबाद के टाइम अनुसार, हैदराबाद के टाइम के अनुसार 4:19 को आरंभ होकर 6:19 को खत्म हो रहा है। तो आप सब लोग जो ग्रहण की साधना किया है तब भगवान अत्रिमहर्षि ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आपको यह आकर हमारे दोनों के बीच में यानी पृथ्वी में रहने वाले पशु पक्षी और जो भी मनुष्य है उनके और आपके बीच में यह जो अंधेरा चाहता है इससे कीटाणु जो आते हैं इसका उपाय क्या है। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि राहु या केतु जब ग्रस्त होता है सूर्य भगवान को भी हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ न कुछ कष्ट पहुँचता है, और उस समय जो मनुष्य सोता नहीं, जो मनुष्य कुछ खाता पीता नहीं यानी कोई भोग ही वस्तु करता नहीं और मलमूत्र विसर्जन करता नहीं, ऐसे लोग अगर कोई जप आदि कर रहे हैं तो भगवान सूर्य समझते हैं कि यह जब मेरे लिए कर रहा है, मैं तेरे को राहुल प्रसिद्ध है और राहुल छुड़ाने के लिए यह मंत्र जप कर रहा है, ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि जो आज इस ग्रहण में 5 माला जप करता है वो 1 लाख के बराबर है, उसकी सिद्धि के लिए सूर्य भगवान और चंद्र भगवान दोनों ही जब ग्रहण कर रहे हैं वो उस उसकी सिद्धि को प्रदान करते हैं। तो पहला नियम है इस जैसे ही सूर्य ग्रहण आरंभ हुआ 4:19 को आपको 5 मिनट या 10 मिनट पहले स्नान करके तुम्हारे अनुसार जो तुम्हारे मैंने तारा और नमस्कार साधना करी क्यों चुना, क्योंकि ये जो साधनाएं भी सूर्य और चंद्र से संबंधित है, और इन ताराओं में जो दिवाली को आता है आज 110 साल के बाद कहते हैं कि यह दिवाली तक सूर्य ग्रहण आया है, तो इस सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में हमें नमस्कार या तारा साधना ही श्रेष्ठ कहलाएगी। तारा साधना के माध्यम से हम संसार की किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को
हमारे में समाहित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं और उससे रक्षा पा सकते हैं। और जिन अवस्था से असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति आती है, जिन अवस्था में सारे रोगों को रोगों का निवारण जिन अवस्था साधना से होता है, इसलिए मैंने ये दो साधनाएं विशेषता दी है। बहुत सारे लोग उसने बोले हम माता के करें क्या, वो करें क्या करें, नहीं, हम काल के अनुसार चलते हैं। तो आपके सीजन में आप आए तो ये अच्छा है, सीता माँ के सीजन में सीता माँ, जैसा हम काल का निर्णय है उसी प्रकार काल के निर्णय में अगर हम जिन अवस्था और तारा की साधना इस ग्रहण को दिवाली के ग्रहण को करते हैं, मंत्र एक बार भी कम नहीं बोल लेते या पाँच बार भी नहीं या पाँच बारह भी नहीं, वो सब बारह के ऊपर उधर होता है। तो इसलिए तुम्हें उस साधना को जो मैंने कहा करना है, फिर बार बार आप ये नहीं पूछना गुरु जी हम कौन सी साधना करें, हम माता की करें क्या, चंदे करें क्या, नवाना करें क्या, ये सारी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये साधना करने से सफलता मिलती है, क्योंकि इस दावत संस्था में नवाना दुर्गा महाविद्या काली दशमा विद्या सारी इसी में समाहित हो जाती है। इसके इन दोनों का मंत्र करने से ही तुम्हें उन सारी की जितनी संसार में देवियाँ हैं उन सभी का समाहित उसमें रहने के कारण ये दो साधनाओं में कोई एक साधना हम संपन्न करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अभी आप निर्भर करता है कि कौन सी साधना करें। इसके बाद मैं ये जो कहता हूँ कि हम जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे चार बजे तो 20 मिनट में उससे 5 मिनट पहले हम स्नान कर लें, गीले कपड़े ना पहने। क्यों? क्योंकि गीले कपड़े पहनने से मलमूत्र विसर्जन की तकलीफ होती है और सूर्य ग्रहण के समय में जो मलमूत्र विसर्जन करता है उसको निश्चित रूप से चर्मव्याधि होती ही है। सूर्य से सीखा गया है चाहे सूर्य से संबंधित चर्मों का खराब होना या गिरकोडर्मा अपने हाथ सफेद सफेद हो जाना, इस सूर्य चंद्र ग्रहण में अगर सूर्य को देखते हुए या सूर्य को देखते हुए हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो ये बीमारियां निश्चित रूप से आती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो इसका हम बहुत ही प्रिकॉशन ले लें कि हमारे में उस समय में हमारे मलमूत्र विसर्जन करने की जरूरत है। इसलिए हमारे लोग वेद कहते हुए कहते हैं कि 4 घंटे पहले से पानी काफी बंद कर देते हैं ताकि उस समय अपने को मलमूत्र की तकलीफ ना हो। उसके बाद उस समय कुछ भी खाना या पेट में जाना पेट की बीमारियों को निर्माण करता है। पेट की बीमारियों के साथ साथ हार्ट की बीमारियां सब जैसा सूर्य से बाहर के चर्म को खराब करता है वैसा खाना खाना अंदर जाता है, इसलिए अंदर की सारी अपनी बीमारियों को खराब कर देता है। उस सूर्य ग्रहण के समय में कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। और उस समय में मैंने आपने जितने भी आज तक मंत्र किए हैं अगर आपको याद है तो कम से कम 5-5 बार तो उस मंत्र को बोलो जिसको प्रश्न रखा गया है। इसलिए कि तुम 5 बार बोल लेने से भी भगवान सूर्य तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुमने जो भी मंत्र कहा उसकी सिद्धि में प्रदान करता है। तो आपको गुरु मंत्र चेतना मंत्र और कोई भी मंत्र जिसने जो आपने किए हैं उसकी सिद्धि के लिए आपने आज तक मंत्र किया कम से कम 5-5 बार बोल दिया और उसके बाद तारा या चिन्हों का साधना में कोई एक साधना संपन्न करो। अब इन दोनों के होते हुए भी सभी को एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि पैसों में पैसा आना ही चाहिए चाहे ग्रहण हो कि ग्रहण का बाहरी समस्या। तो ये तो प्रधान समस्या है हमारे जीवन में। गुरु जी बीमार हुआ पर परवाने लेकिन मैं करोड़पति को जरूर करूँ ऐसा कहने वाले हुए मेरे पास और ऐसे भी लोग हैं कि गुरु जी करोड़पति पत्नी मिल जाए तो बस सारा कुछ गुरु जी आप रहे या ना रहे करोड़पति पत्नी तो जरूर मिल लीजिए। तो ये सारी संसार की रीतियाँ मैं उसके गुरु हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे उसके लक्ष्य में संबंधित जो भी क्रिया है उसके लिए 108 से विशेष मंत्र दिया हूँ उससे 108 डालना जिससे रोग निवारण होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी स्नान करने के बाद। तो ये सारा समय भी आपको एडजस्ट करना है दूसरों को कष्ट ना देते हुए दूसरों की साधना में अड़चन ना करते हुए ये सारी साधना कुंड के पास की जाए कोई भी यहाँ लग जाएगा ग्रहण करके नहीं आएगा इसको छू लिया तो उसका पाप में नहीं लगेगा क्योंकि किसी को छोड़ा नहीं है वहाँ स्नान करते हैं ग्रहण छोड़ने में स्नान करके उनके बाद यहाँ आ सकते हैं लेकिन ग्रहण के समय में बैठा होता है।